अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको वाइटनिंग कैप्सूल के साथ ज़बरदस्त कलर कैसे फेयर किया जाता है, आपके डार्क स्पॉट कैसे ख़त्म होंगे, आपकी छाइयाँ कैसे ख़त्म होंगी। तो आज मैं ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ, 10 रुपए से 20 रुपए तक ये रेमडी हमारी मैक्सिमम रेडी हो जाती है और इस रेमडी का हफ्ते तक रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, मेहनत करोगे तो आएगा, एक दिन में वही चीज़ें आपको रिज़ल्ट देती हैं जो कि केमिकल से भरपूर। ऑर्गेनिक चीज़ें हमेशा टाइम लगाती हैं लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगेगा, मतलब 6 से 7 दिन लग। हफ्ते के लिए बनाने के लिए सारी चीज़ें दो लेंगे, ठीक है जी। मुसलसल इस्तेमाल के बाद 7 दिनों में इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है यार। एक वाइटनिंग कैप्सूल आप अकेले भी लगाओ तो आपकी छाइयाँ दूर होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मेरी खाला ये कीमती नुस्खा डेली बेसिस पे लगाती हैं और पहले वो वाइटनिंग कैप्सूल सिर्फ लगाती थी, उन्होंने कहा इसका भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, वो चाहती थी कि और उसकी स्किन क्लीन फेयर और स्पॉटलेस। ने ये चीज़ें ऐड की और देन उसने 1 मंथ के बाद मुझे बताया कि अनमोल ये नुस्खा तुमने सबको बताना है, ये बड़ा ज़बरदस्त है बिना साइड इफ़ेक्ट के। कहती मेरी छाइयाँ थी और मैंने वाकई में उसकी आँख के नीचे काफ़ी सारी छाइयाँ थी, आँख के नीचे थोड़ा होता है ना गाल से थोड़ा दरमियान में, तो वो उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई यार, और उसके भरविट्टे आईब्रो के ऊपर थी। तो ये नुस्खा इस आजमाइए आप और लगाइए, डेली बेसिस पे रात को लगाना है, सुबह वॉश कर लेना है और पानी और सब्जियां ज़रूर खाया करें, ठीक है। लगाने के साथ खाने पे भी फोकस अच्छा किया करें। तो ये वाइटनिंग कैप्सूल एक मैंने ऐड किया है और साथ मैंने विटामिन ई कैप्सूल, ये 2 दिन की रेमडी बन जाएगी। और एक लेमन, लेमन आप डायरेक्ट इस्तेमाल करो तो जलन करता है, अगर आप किस चीज़ में ऐड करके इस्तेमाल करो तो वो कभी भी जलन नहीं करेगा, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। ये 2 दिन का नुस्खा है, मीडियम है साइज़ लेमन, आपने एक स्लाइस ही ऐड करना, अगर बड़ा हो तो, अगर उससे बड़ा हो तो थोड़ा सा, तकरीबन इसके 7 कतरे निकल आएँ, ठीक है। ओरिजिनल नुस्खा है, नेचुरल नुस्खा है, ज़बरदस्त नुस्खा है, तो आज ही बनाओ। देन आपने अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, थोड़ी सी हो सके तो ग्लिसरीन ले लीजिए, ग्लिसरीन नहीं है तो उसके गुलाब ऐड कर लीजिए, ग्लिसरीन ऐड करोगे तो इसका ज़बरदस्त और रिज़ल्ट है। हर चीज़ का अपना एक होता है ना, अपना एक असर होता है, तो इसलिए कोई भी चीज़ स्किप करना मैं तो कहूँगी ना करना, ले लेना, खर्चा थोड़ा सा कर लेना। ग्लिसरीन वैसे हर घर में होती है और अच्छी ग्लिसरीन लेना, नकली नहीं लेनी, नकली भी चली हुई है, 50 रुपये में आपको ये आराम से मिल जाती है। वैसे आपने फार्मेसी से जो भी चीज़ ली करनी है, वाइटनिंग कैप्सूल और विटामिन ई कैप्सूल ये और ग्लिसरीन, ये फार्मेसी से आराम से मिल जाएंगे। बाकी यार मेरे कहने पे इस नुस्खे को बनाओ, आजमाओ और 7 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट शेयर करो। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद है हमारी हौसला अफजाई के लिए, खुश रहिए।